हाय हाय एवरीवन, हाय कल्याणा जी, आज हम बनाने वाले हैं टॉप डिजाइनिंग केक। गाइस, आज मैं आप लोगों को सिर्फ केक के ऊपर जो डेकोरेशन कैसे कर सकते हैं वो बताने वाली हूँ। जल्दी से कुछ और लोग जुड़ जाते हैं तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इसके ऊपर फ्लावर डिजाइनिंग बनाने वाले हैं, फ्लोरल डिजाइनिंग। गाइज, हम आप लोगों के लिए नए नए डिज़ाइनिंग लेके आते हैं, बस आपसे इतने ही उम्मीद करते हैं कि आप वीडियोस जो हैं हमारे वो शेयर कर दीजिए। हेलो लवीना जी, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने केक बेस रेडी करके रखा हुआ है और जो इसके ऊपर मैंने टेक्सचर दिया है वो मैंने पैलेट नाइफ से दिया है, सिंपल। इस तरह से देखिए, इस तरह से मैंने करके, किसी के हाथ में भी अगर सफाई नहीं है, आपको शार्प एजेस नहीं देने आ रहे हैं, बिल्कुल ऊपर से क्लीन करना नहीं आ रहा है, तो ये सबसे बेस्ट टेक्निक है कि आप पैलेट नाइफ लीजिए और इस तरह से इसको टैप कीजिए तो ये आपकी इस तरह से डिज़ाइनिंग आ जाएगी। मैंने करके इसको फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए, इसलिए अभी ये नहीं होगा क्योंकि पहले जो हो चुका है। जब हम फ्रेश क्रीम लगाते हैं इसके ऊपर, मतलब फ्रेश मतलब विप करके लगाते हैं, तभी ये टेक्सचर आता है। अगर हम फ्रिज में रख के इसको फिर पैलेट नाइफ से करेंगे फिर नहीं आएगा। जब भी हमने इसको कवर किया क्रीम से, तभी हम पैलेट नाइफ से इसको टैप करके इस तरह से डिज़ाइनिंग दे सकते हैं और साइड में भी दे सकते हैं, ठीक है। हेलो शालिनी जी, हेलो कमलदीप जी, आज मैं बहुत दिनों के बाद लाइव आई हूँ तो मैंने सोचा चलो अब तो आप लोगों को एक एक में करके दिखाई देती हूँ। इस तरह से हम रिंग लेंगे, ये मेरे पास 6 इंच का रिंग है और हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे क्योंकि हमें सेंटर लेना, बिल्कुल इस तरह से मैंने रख दिया और उठा लिया। बस मुझे सिर्फ एक जो है सर्कल वाला ड्रॉ करना था तो मैंने इससे कर लिया। अभी मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास है पाइपिंग बैग के अंदर, मैंने न्यूट्रल जेल और ब्राउन कलर मिक्स करके पाइपिंग बैग में फिल कर लिया, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर हम लाइव में बार बार करके दिखाएंगे तो टाइम बहुत वेस्ट होता है, इसलिए मैंने सोचा मैं ये सब पहले से रेडी करके रखती हूँ और आपको सिर्फ डिज़ाइनिंग सिखाती हूँ बस। आप चाहें तो प्लेन केक के ऊपर भी कर सकते हैं, चाहें तो इस तरह से टेक्सचर भी दे सकते हैं। अभी मैं क्या करूँगी, थोड़ी थोड़ी जैसे स्टेम्स होती है ना उसकी, पेड़ की, जैसे उसमें से ऐसे हल्के हल्के निकाल दूँगी कहीं कहीं।
इस तरह से देखिए, कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ जो न्यूट्रल जेल होता है उसके अंदर मैंने ब्राउन कलर मिक्स करके और पाइपिंग बैग के अंदर फिल कर लिया बस, और कुछ भी नहीं किया मैंने। अभी हम क्या करेंगे, फ्लावर बनाएंगे इसके ऊपर, वो भी हम लोग बनाएंगे पैलेट नाइफ से। ये मैंने वाइट क्रीम के अंदर रेड जेल कलर ऐड करके ये मैंने कलर बना लिया, ये पीच कलर बन गया। अगर आपको प्रॉपर रेड कलर चाहिए तो पाइपिंग बैग के अंदर पहले रेड कलर फिल कीजिए, उसके बाद आप ये वाली क्रीम फिल करेंगे, और रेड कलर भी आप थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करेंगे तो आपको प्रॉपर रेड मिल जाएगा। लेकिन मैं डार्क कलर से नहीं बना रही हूँ आज, मैं सारे लाइट शेड से बना रही हूँ फ्लावर। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से डॉट्स बनाएंगे। और इस तरह से पैलेट नाइफ का सेट आता है तीन का, तो इसके अंदर जो ये वाली शेप होती है इस तरह से हम ये वाला लेंगे, और इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ कर देंगे। ठीक है, अभी हम थोड़े से और बड़े डॉट्स बनाएंगे। अब वापिस से हम यही पैलेट नाइफ यूज़ करेंगे, और इसको हमने सिर्फ ऐसे ही पकड़ना है और इसको अंदर की तरफ लेना बस। आप चाहें तो जो जिससे हम बटर भी लगाते हैं घर में उससे भी यूज़ कर सकते हैं, और पूरा एक इसका सेट भी आता है, अलग अलग तरह के इसके आते हैं, वो भी ले सकते हैं आप। इसी तरह से हमने ये पिंक कलर भी फिल करके रखा है। पिंक कलर भी मैंने पाइपिंग बैग के अंदर फिल करके रखा है। अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ही डॉट्स बनाएंगे छोटे, और आप साथ में एक पेपर नैपकिन रखिए और इसको क्लीन कीजिए। और इसको इस तरह से अंदर की तरफ करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बड़ा फ्लावर बना के दिखाती हूँ, अगर आप में आपको इसमें क्लियर नहीं हो रहा तो ये हम डबल शेड का फ्लावर बनाएंगे। वेरी प्रिटी। इसमें हम पिंक कलर का बना रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे फ्लावर, तो हम थोड़े से दूर दूर डॉट्स लेंगे। मैंने पाइपिंग बैग्स रेडी करके फ्रीजर में रख दिए, तो इसलिए थोड़ी सी ना क्रीम ये फटने लगती है। फिर अगर बिल्कुल फ्रेश क्रीम से बनाएंगे हम, फ्रेश मीन्स मतलब बिल्कुल व्हिप करके साथ साथ बनाएंगे, तो उससे बहुत बेटर रिजल्ट आएगा।
क्योंकि गर्मी बहुत है तो मुझे लगा भी मेल्ट ना हो जाए क्रीम हमारी, इसलिए मैंने सारे पाइपिंग बैग फिल करके फ्रीजर में रख दिए। तो हम इसी तरह के डबल शेड के बना सकते हैं। अब आप चाहें तो छोटे छोटे डॉट्स इसके अंदर येलो कलर के भी दे सकते हैं। आप चाहें तो जितनी मर्जी इसकी बना सकते हैं, फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 3 बनाएं 4 बनाएं 5 बनाएं। अभी गर्मी बहुत है तो मैंने जो डार्क कलर होते हैं थोड़ा सा उनको अवॉइड किया है, मैं बिल्कुल लाइट कलर के अंदर आप लोगों को सिखा रही हूँ। इसी तरह से हमने ये पर्पल कलर भी फिल करके रखा है पाइपिंग बैग के अंदर, तो मैं इसके भी फ्लावर्स बना के दिखाती हूँ आपको साथ साथ। इस तरह से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मैं आपको जो सिर्फ हमारे पास जो नॉर्मली होते हैं स्पैचुला, सिर्फ मैं उनके साथ बना के दिखा रही हूँ, नहीं तो आपको इसका एक पूरा सेट आता है वो लेना पड़ता है। मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि अगर हमारे पास जो अगर स्पैचुलाज हैं घर पे, उनसे भी हम थोड़ा थोड़ी डिज़ाइनिंग इस तरह की कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, क्योंकि हम हर चीज़ अगर ऐसे देख देख के, क्योंकि बहुत चीज़ें नई आ रही है मार्केट के अंदर, हम इतना कुछ बाय नहीं कर सकते बार बार, क्योंकि हर रोज़ केक की नई डिज़ाइनिंग आ रही है, तो जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं हम उनसे ही कैसे बना सकते हैं। थोड़ा सा इसके साथ पेशेंसली काम करना पड़ता है, बहुत प्यारे बनते हैं इसके फ्लावर्स। वो आपकी मर्जी, आप कितने बड़े फ्लावर्स बनाना चाहते हैं,
जैसे भी आप बनाना चाहते हैं। मैं अभी इसके अंदर छोटे छोटे बना रही हूँ फ्लावर्स। देखिए सिंपल वे में अगर हम कितनी चीज़ें बनाते हैं तो कितनी प्यारी लगती हैं ये। एक्चुअली मेरा फ़ोन दूसरा वो बच्चे ले गए हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है इसमें कौन देख रहा है कौन कमेंट कर रहा है। मैं आप लोगों के आंसर अभी बाद में करूँगी एक बार। अभी हमने इसके अंदर ग्रीन कलर भी करना है, इसकी लीव्स बनाएंगे हम लोग। आप इस तरह से छोटे छोटे फ्लावर्स भी बना सकते हैं। अभी एक बार ही हम पहले लीव्स बनाते हैं, फिर हम देखते हैं और कहाँ फ्लावर हमें बनाना है। इस तरह के आपने अभी तक लीफ के बड़े नोज़ल देखे होंगे, इसका कोई नंबर नहीं है, विल्टन के हैं ये नोज़ल्स, जो पूरा एक बॉक्स आता है विल्टन का, उसके अंदर ये सबसे छोटा है। ये देखिए बिल्कुल सबसे छोटा है लीफ का नोज़ल। हेलो निधि जी, इस तरह से हम इसके बिल्कुल छोटे छोटे लीव्स बनाएंगे। मैं आपको नैपकिन के ऊपर दिखाती हूँ कितना छोटा सा लीफ बनता है ये। देखिए इस तरह से, इस तरह से हम इसको छोड़ते हुए आप लेके जा सकते हैं ऊपर तक, लेकिन हम छोटे छोटे फ्लावर्स बना रहे हैं तो हम इस तरह से छोटा सा ही लीफ बनाएंगे। ठीक है, आप इस तरह से देखिए, आप इस तरह से हाथ को हल्का सा ऐसे देंगे, घुमाएंगे तो इस तरह के लीफ भी बन सकते हैं। ठीक है, इसको घुमाते हुए, और अगर आप इसी के अंदर ही जैसे यहीं पे एक जगह पे स्टे करेंगे, हम इसको हिलाएंगे नहीं और इसको प्रेशर आउट करेंगे बस, और करते जाइए करते जाइए करते जाइए। देखिए ये इस तरह की बन जाएगी लीफ, कितनी प्यारी वो लग रही है।
लाइट मिनट है। वाओ प्रिंसेस स्टाइल लग रहा है एकदम तो। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। हम जो है इसकी कोशिश करेंगे कि जो हमने ब्राउन पार्ट बनाया ना सिर्फ उसी के अंदर से हम लोग लीव्स निकालें। अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फ्लावर्स बनाएंगे। इसके अंदर मैं पिंक कलर ऐड करूंगी। हम लोग डबल शेड के बना रहे हैं सारे फ्लावर्स। किसी का कोई कमेंट बेटे देखो कुछ कोई पूछ रहा है। गाइज हमारी प्रोफेशनल केक क्लास चल रही है और वेडिंग केक क्लास मैंने उसकी पोस्ट अपडेट कर दी है फेसबुक पेज पे। जिसको भी करनी है वो देख सकते हैं जाके पोस्ट। प्रोफेशनल केक क्लास, हाँ प्रोफेशनल केक क्लास प्लस वेडिंग केक क्लास दोनों है। दोनों का ग्लिम्स हमने एक या दो वीडियोस में दे रखा है तो आपको भी पता चल जाएगा कि हमने किस तरह के केक्स बनाए थे। वो देखकर आप लोग डिसाइड कर सकते हैं और फिर आप हमें मैसेज करके वो क्लास में एनरोल हो सकते हैं। पल्लवी जी का क्वेश्चन है हाउ टू व्हिप क्रीम इन समर। आप क्रीम को फ्रीजर में जैसे आप मार्केट से लेके आते हैं क्रीम को आप बॉक्स फ्रीजर में डालेंगे। जब आपको यूज करना है उससे 4-5 घंटे पहले आप फ्रीजर में फ्रिज में शिफ्ट कर दीजिए उसको। जब वो मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाएगी तब आपको उसको व्हिप करना है। अगर आप आगे और कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आप हमें स्टार्स भेजकर सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए नई नई चीज़ें लाते रहें। जी बिल्कुल सही बात है। अगर आपके मन में कुछ स्पेसिफिक सीखने का है तो वो भी आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, हम उसे कवर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। सोनिया जी का क्वेश्चन है फ्लावर्स व्हिप क्रीम से बनाए हैं मैम। जी मैं आप लोगों के सामने ये देखिए सारे पाइपिंग बैग के अंदर व्हिप क्रीम फिल की हुई है मैंने। ये मैंने पैलेट नाइफ से सिखाया आप लोगों को कि जो हमारे पास एक हम सेट लेके आते हैं छोटे वाला इसके बेटे जो इसके बाकी के दो पार्ट हैं ना वो कटलरी सेट वाले उसमें है। ऐसे ला के दिखाना वो मैं दिखा देती हूँ जो नॉर्मली बेकर्स यूज़ करते हैं हम लोग छोटे केक पे इसको यूज़ करते हैं और इसी से मैंने आपको बना के दिखा दिया। एक इसका पूरा सेट आता है 5 का। आपको अगर आप नीड है तो आप ले लीजिए नहीं तो आप इससे भी काम चला लीजिए जैसे मैंने ये आपको बना के दिखाया। अगर आप बहुत अच्छे लेवल पे बहुत अच्छे अच्छे केक्स बनाना चाहते हैं वैसे तो आप बाय कर लीजिए। अगर आपके पास अभी इतना वो नहीं है तो आप मत लीजिए। ये देखिए ये 3 का सेट आता है इस तरह से। नॉर्मली हर बेकर के पास होता है ये 3 का सेट। तो इसके अंदर से ये जो कर्व वाला होता है आगे वाला ये ले लीजिए आप पैलेट नाइफ के लिए। ये हम लोग केक में यूज करते हैं ठीक है। ये दोनों तो आप इससे भी बहुत अच्छी अच्छी डिजाइनिंग बना सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है आपको नई नई चीजें मार्केट से दोबारा लेने की जरूरत नहीं है और आप इसी से ही देखिए कितना सुंदर लग रहा है।
अभी हम चलते हैं इसके बॉर्डर की तरफ। अब हमारे पास 3-4 पाइपिंग बैग्स हैं, तो हम इनके साथ कैसे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, जो ये हमारा लीव वाला नोज़ल है, इसको जैसे हम लीफ बनाते हैं उसी स्टाइल में हम लोग बनाएंगे। और प्रॉपर दिख रहा है ना आपको, सिंपल कुछ भी नहीं करना, इसको बस हिलाना है। देखिए इस तरह से बॉर्डर बन जाएगा लीफ का। फिर हम इसके साथ साथ इस तरह से बड़े डॉट्स बना सकते हैं इसके, वो भी प्यारे लगते हैं। मतलब आपको बॉर्डर की भी इतनी ज़्यादा वो नहीं रहेगी। कैसे भी आप बनाइए, जैसे आपने ऊपर डिज़ाइनिंग किया वैसे बना लीजिए, नहीं तो आप इससे शेल्स भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से शेल्स बनाने हो तो जैसे जो प्रॉपर शेल्स वाली नोज़ल आती हैं वैसे, देखिए इस तरह से भी बना सकते हैं। कितना प्यारा लग रहा है कलरफुल केक, और बिल्कुल लाइट कलर है इसके अंदर, कहीं पे भी हमने डार्क कलर यूज़ नहीं किए। सिंपल कुछ नहीं करना, जैसे हम लीफ के लिए चलाते हैं बस इसको लंबा लेके जाएंगे तो ये हमारा बॉर्डर बन जाएगा। कितना खूबसूरत लग रहा है। चलो लाइट आ गई, अभी आपको देखिए प्रॉपर नजर आ रही है ना लीफ जो कैसे बना रखी है हमने। आपको पता है बॉर्डर पे डिज़ाइन हम लोग क्यों बनाते हैं, ताकि कुछ हमारे जो केक में कमी रह गई है वो छुप जाए और हम उसके ऊपर बॉर्डर बना देते हैं। स्पॉन्ज की साइड्स पे क्रीम स्टिक, क्या मतलब, आगे पूरा क्वेश्चन पढ़िए प्लीज़, पूरा क्वेश्चन करिए। नहीं हो जाती है, आराम से हो जाती है, हमें तो ऐसा कोई इशू नहीं आता। ये मैं आपको अभी दोबारा बता देती हूँ। हाँ ये लाइव सेशन जो है हमारा यहीं रहेगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमें ये कैसे देना है टेक्सचर इसके ऊपर, तो आप इजीली बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बनाना है आपको जैसे हम क्रीम व्हिप करते हैं, व्हिप करने के बाद जब आप केक को कवर करेंगे उसी टाइम पे आपको ये डिज़ाइन करना है। अगर आप इस, आप सोचेंगे भी हम इसको फ्रिज में रख देते हैं आधा घंटा, बाद में इसको टेक्सचर देंगे, फिर नहीं दे पाएंगे आप लोग। उसी टाइम जब आपने इसको बिल्कुल इसकी टॉप कवर कर दिए सारा, तभी आप लोग कवर करेंगे इसको। ऑल्सो आप सब जो हमारे आने वाले इवेंट्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। हमारा एक इवेंट है 15 जुलाई को, जिसका थीम है कैस्केडिंग ओरियो केक, और दूसरा इवेंट है हमारा जुलाई 18 को, जो होममेड चोकोपाई और मार्शमेलो सिखाई जाएगी आपको उसमें जी। तो प्लीज़ आप हमारे इवेंट में ज़रूर आइएगा। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ बिल्कुल पास से, इस तरह से हमें बनाना है लीफ को, सिर्फ जैसे हम ऊपर लीफ बनाते हैं सिंपल इसको साइड में लेके जाइए आगे की तरफ, बस कुछ भी नहीं, ऐसे कलरफुल डिज़ाइन आपका बन गया है केक का।
हेलो अनामिका जी, अनामिका जी आपको केक कैसे लगे? आपने तो मेरी क्लास अटेंड की है ना, आप बताइए सबको कैसे लगे आपको। ये देखिए कितना प्यारा केक बन गया। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको क्या करना है कि जब हमने इसको केक को कवर किया विप क्रीम से हमारी वाइट कलर, आप जो मर्जी कलर लीजिए, येलो लीजिए, पिंक लीजिए, जिस उससे भी आप कर रहे हैं, स्पेशली नहीं है कि आपको वाइट क्रीम से ही करना है, टेक्सचर दे देना है और कुछ भी नहीं करना। अगर आप इसको फ्रिज में रख देंगे, फ्रिज में से निकालने के बाद अगर आप स्पैचुला लगाएंगे तो वो आपकी क्रीम जैसे फट जाती है ना, बीच में से होल्स आ जाते हैं छोटे छोटे, वो नज़र आएंगे, आपका प्रॉपर ये वाला टेक्सचर नहीं आएगा। तो इसीलिए जब भी आपको ये टेक्सचर देना है, साइड्स में देना है, ऊपर देना है, जैसे ही आपने इसको क्रीम से कवर किया, प्लेन किया केक को, शार्प एजेस दे दिए, उसके बाद आप इसको इस तरह से टैप करेंगे हल्का हल्का और आपका ये टेक्सचर आ जाएगा। ठीक है, अभी आप ये केक मार्केट से लेने जाएंगे बेकरी से तो कितने का मिलेगा आपको बताइए। मैं अभी एक बार क्वेश्चंस देख लेती हूँ बाकी सबके और फिर हम लोग हमारा ये जो सेशन है वो यहीं पे ख़त्म करेंगे। अनामिका जी का ये बोल रहे थे कि क्लास अच्छी लगी। थैंक यू अनामिका जी, थैंक यू इंदिरा जी, इसका वो करना बस इतना ही है। कंट्रास्ट जी इंदिरा जी, ये 900 से ऊपर जाएगा क्योंकि हमने पैलेट नाइफ से इसके ऊपर पेंटिंग की है, समझ लीजिए। इस केक को देख के मुझे एक फीलिंग आ रही है। हाँ जी, जैसे मैं बचपन में बारबी मूवीज देखती थी ना, तो उनकी टियाराज होते थे और वो। हाँ हाँ हाँ, ये टियारा ही लग रहा है, वैसा लग रहा है, बहुत ही प्रिटी लग रहा है। हाँ चलिए गाइस, थैंक यू कमलदीप जी। अभी हमारा जो है 15th को हमारा, जैसे कि रिधिमा ने आपको बता दिया कि हमारा कैस्केडिंग केक है, फिर हमारा जो है 18th को है हमारा मार्शमेलो का प्लस चोको पाई, हम लोग होममेड आप लोगों को सिखाएंगे, बिल्कुल स्क्रैच से सिखाएंगे कि मार्शमेलो कैसे बनाए और मार्शमेलो को यूज करके चोको पाई कैसे बनाए। जी बिल्कुल, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा लाइव सेशन। थैंक यू शिल्पी जी, थैंक यू इंदिरा जी। चलिए गाइस, हम लोग फिर हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो तब 15 तारीख को मिलते हैं, अगर उससे पहले हो सका तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक बाय बाय। इंदिरा जी 15 तारीख को टाइम है 3 बजे और 18 तारीख को टाइम है 5 बजे शाम को। आप हमारे फेसबुक पेज पर जाके इवेंट्स सेक्शन में जाएंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से टाइम पे है और कौन सी डेट को है, तो इस तरह आप मिस आउट नहीं कर पाएंगे। आप हमारे बेल आइकन को भी जरूर ऑन कीजिएगा, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। जी गाइस, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स भी ये सब चीजें सीखें, तो आप जो हमने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, इवेंट क्रिएट किया है, उसको आप शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वो लोग भी सीख पाएं। और क्योंकि बच्चों को तो मार्शमेलो बहुत पसंद होते हैं और चोको पाई भी बच्चों की बहुत फेवरेट है, और आजकल तो वैसे ही ट्रेंड में है कि हम लोग चोको पाइज गिफ्ट करते हैं लोगों को, तो वो आप घर पे कैसे बना सकते हैं? आपने अभी तक जितने भी लाइव सेशन देखे होंगे चोको पाई के, वो आपने बिस्किट से देखे होंगे, मैरी गोल्ड बिस्किट से, बट मैं मैरी गोल्ड बिस्किट से नहीं सिखा रही हूँ, मैं प्रॉपर रेसिपी आप लोगों को सिखा रही हूँ मार्शमेलो यूज़ करके, तो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा गाइस। बाय बाय।